नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ महिंद्रा सेज में, जिसको हमारे जैसे प्रॉपर्टी भाई लोग कहते हैं आजकल सेजस्थान। महिंद्रा सेज में हमारा ये प्रोजेक्ट है वीआरबी पावर इनक्लेव के नाम से, जो कि बगरू इंडस्ट्रीज एरिया के G20 इंडस्ट्रीज एरिया के नियर बाई है। ये जो आप बहता हुआ रोड देख रहे हैं, ये है जयपुर किशनगढ़ हाईवे। 250 फीट चौड़ा ये रोड है, जो कि किस जयपुर एयरपोर्ट को किशनगढ़ एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बना हुआ है। बगरू इंडस्ट्रीज एरिया से होते हुए ये रास्ता निकलता है। ये वो कट है जो बगरू के लिए राइट होता है। आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हो रिको बगरू का, ये जो ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं ये बगरू से ही आ रहे हैं और ये जा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की तरफ। और सामने ही 250 फीट रोड पर खुलता हुआ हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है द पाल इनक्लेव। साथियों, प्रोजेक्ट को अंदर से मैं आपको व्यू कराना चाहता हूँ। चलिए तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर की तरफ। इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आगे आप अंदर देखने के बाद में ही समझ पाएंगे। ये प्रोजेक्ट के एंट्रेंस है साथियों, कुछ क्लाइंट विजिट के लिए आए हुए हमारे यहाँ पे। प्रोजेक्ट का सर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इन्वेस्टमेंट का विजन है इस प्रोजेक्ट में। इन्वेस्टमेंट का विजन काफ़ी क्लियर होता है। इसी के चलते हुए यहाँ पे जो JDA ने नक्शा पास किया है, वो भी काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट्स का किया है। लाइक इसमें 500 गज से नीचे तो रेयर केस है कि प्लॉट ही मिल पाए। जो छोटे प्लॉट थे वो टोटल सोल्ड आउट हो गए 111 गज वगैरह, और इसमें 500 गज के और 1000 गज के काफ़ी संख्या में प्लॉट हैं। एंट्री गेट के ऊपर ही गार्ड वगैरह के रूम बनाए हुए हैं। अब आप सामने देख रहे हो डिमार्केशन पे लिखा हुआ है C2 मींस कॉमर्शियल। जहां बात सेज की आती है, महिंद्रा सेज की आती है, ये पूरी फील है जो दिल्ली में गुड़गांव की फील है, जयपुर में महिंद्रा सेज की फील है। ये हमारे जयपुर का गुड़गांव है सर। जिस तरह से हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्टों में देते हैं सिविल लाइन, वाटर हार्वेस्टिंग, डेवन से लाइट, पानी, सीवरेज के कनेक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ही रहेगी। प्रोजेक्ट में रोड लाइट, मकानों के कनेक्शन के लिए अंडरग्राउंड लाइट जो आती है पैनल में, वो सीवरेज, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लॉट डीमार्केशन, काफ़ी चीज़ें हो चुकी। प्रोजेक्ट के व्यू बहुत शानदार है साथियों। आप जो मेरे सामने ये पानी की टंकी देख रहे हैं, ये अपने यहाँ से जितनी दूरी पर आ रही है इतना ही आगे तक डेप्थ में ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, 250 फीट रोड से तो कनेक्टेड है ही सामने से। साथ ही में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 160 फीट का रोड टाउनशिप के बीच में से भी जा रहा है। वो कैसे जा रहा है वो बताता हूँ मैं। सामने जो आप मेरे ट्रक देख रहे हैं, उन ट्रकों के वहीं से ये वाला रोड सीधा अभी इस वक्त जो आप भाग देख पा रहे हैं उस डंडे से लेके और यहाँ तक का, ये केवल 80 फीट है। 80 फीट रोड इधर से यूँ आगे रहेगा, ये रोड सीधा उस रोड से कनेक्टेड रहेगा, तो एक तरीके से वी शेप बन जाएगा। लास्ट में मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से हो रहा है। और ये सामने आप जो मेरे देख रहे हैं, ये केवल 80 फीट रोड है। 80 फीट रोड इस डिवाइडर के इस पार रहेगी। आप जो डीमार्केशन देख रहे हैं C7 C8 का, ये केवल कॉमर्शियल के लिए ही अवेलेबल प्लॉट हैं ये, जो कि बड़ी रोड पर हैं, 160 फीट रोड पर खुलते हुए, जो कि रिसेंटली अवेलेबल भी है। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल ब्लॉक है। कॉमर्शियल ब्लॉक इधर पीछे की तरफ है, ये रेजिडेंशियल है, पीछे की तरफ रेजिडेंशियल है। ये वाले बड़े प्लॉट कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल वाले हैं। बहुत ही बड़ी कॉलोनी है, बहुत ही प्यारा लोकेशन रहेगा कोई वक्त यहाँ पे। अभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स प्लान किए जा सकते हैं। बहुत ही प्यारे लुक्स हैं। अब हम आ चुके हैं पार्क के पास में। पार्क, टेंपल, ओवरहेड अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब मैं आपको अभी पास से दिखाता हूँ। ये वो लाइट के पैनल हैं जिनसे अंडरग्राउंड सप्लाई ली जाती है बाहर से और होम टू होम सर्विस दी जाती है। ये साइड में जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये सर्विस वाले ही हैं, डीमार्केशन, पानी के कनेक्शन, सीवरेज। अब आ गए हम उस ब्लॉक के अंदर जो ज़मीन केवल और केवल पार्क के लिए रिजर्व है। बहुत ही बड़ा और चौकोर साइज का बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। पार्क बहुत ही प्यारा है सर, बहुत ही प्यारा। अब ले चलता हूँ मैं इसके बाजू वाले फैसिलिटी जोन में, जहाँ पानी की टंकी, टेंपल, ये सब हैं। ये आप देख रहे हैं इस वाले आप पार्क में फैसिलिटी जोन में जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह दिए हुए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है जो कि मंदिर के लिए तैयार किया जा रहा है। ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया हुआ है। इसी यूटिलिटी जोन के अंदर ही दिया हुआ है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक। ये बनाए हुए 3 टैंक उसी के लिए बनाए हुए हैं, ये जॉगिंग ट्रक्स के लिए बनाए हुए हैं। मेरे सामने जो आप डिजाइन देख रहे हो,
ये किड्स प्ले एरिया के हिसाब से इस पर कुछ बनाया जाएगा डिजाइंस। बचपन के खेल याद आएंगे यहाँ पे, सितोलिया, लंगड़ी टांग, ये सब चीज़ें। ये सोलर ऊर्जा का पैनल है जिससे रोड लाइट वगैरह मेंटेन रहेगी। जॉगिंग ट्रैक्स काफ़ी दिया हुआ है इस पार्क में। क्रिएटिव बच्चों के लिए एडवेंचर झूले, स्टेयर्स और स्लिपट वाले झूले भी, राउंड्स वाले झूले भी हैं यहाँ पे। लेडीज़ वगैरह जेंट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए भी झूले हैं। सीनियर सिटीजन के हिसाब से गजों पर दिया हुआ है, मीटिंग के हिसाब से इसमें बेंचेज लगना बाकी हैं अभी। और ये दिया हुआ है जॉगिंग सेड्यूल, कार्डियो बोल सकते हैं आप इसको। बहुत ही प्यारा नज़ारा है पार्क का। पार्क, यूटिलिटी जोन, ये सब मिला के काफ़ी ज़मीन हो जाती है, बहुत ज़मीन हो जाती है, उस पेड़ के भी आगे तक है। ये कुछ भवन निर्माण के नियम दिए हुए हैं जो कि JDA द्वारा अनुमोदित होते हैं। ये दिया हुआ है कॉमर्शियल एरिया, मिनी मार्केट कह सकते हैं, कॉमर्शियल शॉप्स के लिए शॉपिंग सेंटर बोल सकते हैं। इसमें छोटी शॉप्स होती है, 2x3 की, 3x3 की, ये मिनी शॉप्स होती है। इन शॉर्ट कह सकते हैं 10x10 की, 10x15 की, 6x10 की, अलग अलग साइज़ हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इन शॉर्ट एक ही बात कहना चाहूँगा, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान महिंद्रा सेज में कर सकते हैं। और जब महिंद्रा सेज में आना चाहते हो तो क्यों ना JDA अप्रूव टाउनशिप में आया जाए, जहाँ पर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, 250 फीट रोड से लगती हुई प्रॉपर्टी है। आपका इन्विटेशन है, आप आराम से आइए। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, प्लान कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। अब मैं इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो आपको मैप में समझाना चाहूँगा। मैप में देखने के बाद में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अब मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी ऐसी बात नहीं है, मेरे श्रोताओं पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो हर चीज़ को 1-to-1 देखते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट्स के फ़ोन भी आते हैं कि सर आपने ये डाला है, आज वो डाला है, तो मीन्स आप लोग समझते भी बहुत अच्छा हो। और सिंपल सी बात है, अगर आप लोग वीडियो ये देख रहे हो और इतनी दूर तक पहुँचे हो कि आप पूरा वीडियो देख पाए हो, तो मतलब इन्वेस्टमेंट का विजन तो आप समझते हो सर। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा रहने वाला है। अब मैं आपको ज़्यादा समय ना खाते हुए मैप में दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे वो अपना महिंद्रा सेज नियर बाय लगता हुआ है, और महिंद्रा सेज के अंदर जो ये अपना जयपुर एयरपोर्ट से और किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये 250 फीट रोड है, और इसी से निकलता हुआ 160 फीट रोड ये वाला है जिसमें कॉमर्शियल प्लॉट्स की हम बात कर रहे थे।